वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकर आ चुका हूँ जो भी एकदम ट्रेंडिंग वीडियो स्टेटस सॉन्ग है, तो ऐसा ही वीडियो में लाते रहता हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, मैंने बाद आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक मारना है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक मारने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यस पर क्लिक मार देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट पर क्लिक मार देना है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके। तो चलिए इस पर हम क्लिक मार देते हैं। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर लगेगा इंपोर्ट होने में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, जो आपको यहाँ पर रेड का ऑप्शन रेड का दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा हम दोनों हेड से जैसे स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो जो रेड वाला ऑप्शन है तो इस पर हमको क्लिक मारना है। देख सकते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन जाना है। यहाँ से आपको एक वीडियो लेनी है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं इसको लगा चुका हूँ और इसके बाद आप लोगों को ये लग गया है। तो इसके आगे आपको जो यहाँ पर ब्लैक ऑप्शन मिला है दिख रहा है, तो इसको आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑप्शन मिलेगा। रिफ्लेक्स ऑप्शन में क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ पर कोई भी आपको इमेज लगाना है। चलिए फिर हम ऐसे करते हुए सब इमेज को हम लगा जो आपको यहाँ पर एक फिर दोबारा जो आपको यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी पर टाइप करना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको एक वीडियो फिर लगानी है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जो कि एक गर्ल वीडियो वाला वो है। तो चलिए फिर हम इसे वीडियो पर क्लिक मारकर इसको हम लगा देते हैं। तो इसके आगे आपको फिर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको फिर रिप्लेस के ऑप्शन पर जाना है, तो फिर इस पर आपको इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। वीडियो लंबी होने वाला आपको चले जाना है सबसे आगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पर चले जाना है, 9.9 एक इफेक्ट लगाना है। तो जो इफेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो इस इफेक्ट पर जैसा कि ये इफेक्ट है, इस इफेक्ट को आपको इस इफेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है स्लिप स्क्रीन। ये स्लिप स्क्रीन पर आने के बाद इसको आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है ब्लेंडिंग का ऑप्शन। ब्लेंडिंग का ऑप्शन आने के बाद आपको उसके स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में करने के बाद स्क्रीन करने इस पर आपको टाइप करना है, यहाँ से आपको एक डुप्लीकेट निकाल लेना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसे थोड़ा खींचेंगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, इसको खींचेंगे थोड़ा आगे जाएगा, जैसे आपको यहाँ तक ऐड करना है। नहीं तो डबल दिखाई पड़ेगा तो मस्त नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ तक हमको लेते हैं। यहाँ से करने के बाद आपको और आगे जाना है, जैसे कि यहाँ पर एक और डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर यहाँ पर मार लेते हैं, तो यहाँ से एक और डुप्लीकेट। चलिए सोचिए मारे इस जो वीडियो वाला वो है, इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाना है आपको 18.159 पर जाना है। फिर लेकर ऑप्शन पर क्लिक मारना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, तो इस पर क्लिक मारने से इस पर क्लिक मारने के बाद आपको चले जाना है स्प्लिट स्क्रीन पर। इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है। यहाँ पर क्लिक मारने के बाद आपको फिर यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आ जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस पर आपको टैप करना है, यहाँ पर जाना है थ्री डॉट पर, इसमें डुप्लीकेट निकाल लेना है। यहाँ पर डुप्लीकेट निकाल हो चुका है, पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है।